बीते कुछ दिन पहले जहां खट्टर ने सैलजा को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, तो एक हफ्ते बाद अशोक तंवर का भाजपा से मोह भंग हो गया। हरियाणा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कल यानी 5 तारीख को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। हरियाणा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कल यानी 5 तारीख को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन सियासी उतार चढ़ाव कम नहीं होने का नाम ले रहा है। बीते कुछ दिन पहले जहां खट्टर ने सैलजा को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, तो एक हफ्ते बाद अशोक तंवर का भाजपा से मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। हमारे संवाददाता हरिओम वीर ने रेवाड़ी की जनता की नब्ज टटोलने के लिए लोगों के बीच गए, उनसे बातचीत की, जानने की कोशिश की कि क्या है हरियाणा का माहौल और लोग किसको इस बार हरियाणा का सीएम देखना चाहते हैं और रेवाड़ी का अगला जनप्रतिनिधि कौन होगा। इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चुनावी चौपाल लगातार जारी है। जनता के बीच पहुंचकर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार क्या कुछ होने वाला है। हरियाणा विधानसभा 2024 में कौन सरताज होगा, कौन मसीहा होगा, रेवाड़ी विधानसभा में कौन विधायक के रूप में देखना चाहती है जनता, तमाम चर्चाएँ इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी शहर के शास्त्री नगर में और यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है विधानसभा का? माहौल जी कुछ भी नहीं है, माहौल तो बराबर ही चल रहा है। बराबर में के कौन कौन है? बराबर में इनकी टक्कर है, कांग्रेस की बीजेपी की। कांग्रेस बीजेपी टक्कर में है। हाँ जी। और निर्दलीय हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं? निर्दलीयों का कोई हिसाब नहीं है। नहीं, क्यों? आपको क्या लगता है कि कौन बनना चाहिए विधायक? विधायक तो जी बात ये है, हमारा यहाँ का है ही नहीं, कोसली से यहाँ कर दिया है। हाँ, तो वो पार्टी की वजह से समझ लो भाजपा के साथ ही रहा। आप किसके साथ हैं? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ। लक्ष्मण सिंह से नाराज हैं आप? ना, नाराज तो हम टिकट देने से। हाँ, टिकट देने से नाराज। यहाँ का क्षेत्र का? हाँ, क्षेत्र का ही होना चाहिए, कापड़ी बात होना चाहिए। क्या लग रहा है अब माहौल, क्या देख रहे हैं माहौल? पर ये बता रहे ना, बराबर का चल रहा है, बराबर का टक्कर है दोनों। हाँ, टक्कर। ये बताइए कि इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? अरे मुद्दा तो कोई नहीं, वही भ्रष्टाचार, बेईमानी तो खत्म होगी समझ लो। बेईमानी खत्म नहीं होगी? नहीं होएगी, नहीं है तो कभी भी नहीं होएगी। मुद्दा तो कोई खत्म ही है, मुद्दा तो कोई रहा ही नहीं है, मुद्दा रहेगा बस अपना। विकास क्या हुआ इतने 10 वर्षों से भाजपा का? ये रोड बन गए, विदेशों में जो काम कर रहा है मोदी बढ़िया कर रहा है। मोदी खैर केंद्र का मामला है, हम राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार के भी सरकार से काम चलता है, सेंटर से ही। रेवाड़ी में क्या क्या समस्याएं हैं अभी? रेवाड़ी में सारी समस्या है। कौन सी समस्या खत्म? क्या क्या है? रोड की समस्या है, पानी भरता है, खड्डे हैं, कहीं कोई है नहीं हिसाब किताब, कोई दिक्कत ही नहीं। रेवाड़ी का कोई लड़ी डोरी है ही नहीं जी, नहीं है कोई नहीं। तो भाजपा का विधायक बनेगा तो काम हो सकता है? देखो जी, उम्मीद तो सभी लगाई जैसे कि काम होएगा, क्या होगा। अब ये नया है, मान लो कोसली से यहाँ शिफ्ट किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बीजेपी का शासन देख लिया, कांग्रेस का देख लिया, अब कोई नया चेहरा हो। वो ठीक है, अपने सोचे जी बदलाव चाहिए, तो बदलाव में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, काम करने वाले कुछ। हरियाणा में किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? हरियाणा में सरकार तो ये हमारे हिसाब से तो रली मिली सरकार बनेगी, बनेगी। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह जी, क्या लग रहा है कौन होगा विधायक भाई? अब की बार लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण सिंह को ही मौका मिलेगा? हाँ जी। चिरंजीव रहे इस क्षेत्र के विधायक, क्या काम किए उन्होंने? ऐसा है, उनका पिताजी पहले 30 साल उरे काम कर चुके हैं, फिर 5 साल चिरंजीव राव ने गया, 35 साल हो गए। 35 साल में उरे कुछ भी काम नहीं हुआ, जो जितने भी यहाँ पे जो शहर के चारों तरफ हुए पुल उड़ बन रहे सब गवर्नमेंट ने गए बीजेपी के टाइम में हुए हैं, जो 35 साल में हो रहे कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, आप जाके देख लो, सकुलर रोड के ऊपर बीजेपी की देन है। हाँ, सब बीजेपी की देन। हाँ जी, हाँ जी। जो भी ये काम हुए है बीजेपी के 10 साल में हुए हैं, बाकी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? नहीं, 35 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। आप किस में देख रहे हैं संभावना, किसकी सरकार बननी चाहिए भाई? मेरे को हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। हाँ जी, और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है दादा, किसकी बन रही है सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी। रेवाड़ी का विधायक किसको बना रहे हैं? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को? लक्ष्मण को क्यों देख रहे हैं विधायक के रूप? नहीं, पहली ये तो पहले भी एक बार लड़ चुका है, मेरे ख्याल से दोबारा इसको मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कोसली में काम नहीं किया इसको यहाँ दिया गया। कोसली का तो हमें पता नहीं, हम तो रेवाड़ी के रहने वाले हैं, यहाँ की कह सकते हैं। क्या नाम है दादा? मूलचंद।
क्या लग रहा है माहौल क्या है? ठीक है, जो माहौल हो रहा है, जो होने दो, जो हो रहा है वो ठीक है। हाँ ठीक हो रहा है। अच्छा होना चाहिए कि बुरा? अच्छा ही हो, बुरा कहाँ है। तो फिर ये अच्छा विधायक नहीं चुनेंगे तो फिर अच्छा कैसे होगा? विधायक जो आप कर देगा तो ठीक है। किसको बनाएंगे विधायक? अब तो कमल भाई लगाएंगे। कमल को? चलिए, यहाँ पर हमने बातचीत की आम जनता से, शास्त्री नगर का वो क्षेत्र रेवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत। रिंकू चौहान। रिंकू चौहान जी, क्या माहौल चल रहा है विधानसभा का? टक्कर है जी सबकी, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा सा सही दिख रहा है। टक्कर किस में है? कांग्रेस और निर्दलीय में। निर्दलीय कौन है? ये प्रशांत था, प्रशांत सन्नी, दो ही में टक्कर है। बाकी कहीं किसी की, कहीं किसी की, हमारे इलाके में इधर ये आता तो इसी की बताई जा रही है। चलिए, क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के? क्योंकि महंगाई है सबसे ज्यादा मुद्दा, तो महंगाई कोई भी पार्टी कर नहीं पा रही है। पार्टी नहीं कर पा रही है। भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो साहब आई जाए ऐसी थोड़ा बहुत तो है ही, लेकिन ज्यादा महंगाई का जो। यहाँ लंबे समय से कांग्रेस के विधायक रहे क्षेत्र के, इन्हें कुछ ना करे वैसे तो। हाँ। लेकिन भाई पब्लिक है ना, अब 10 साल भाजपा का राज होने की वजह से उनसे भी छिकली, इसलिए कांग्रेस की तरफ झुकाव है। तो फिर कांग्रेस के विधायक बनेंगे, क्षेत्र में काम कैसे होगा? काम तो सरकार कांग्रेस की आने के चांस है ऊपर। चांस है भैया। युवा है, क्या लगता है किसकी बन रही है? कांग्रेस। कांग्रेस की? रोजगार को लेकर बड़ी समस्याएं हैं प्रदेश में, क्या लगता है कि कौन बेहतर काम करेगा और रोजगारों की व्यवस्था जुटा? कहते तो सभी है, लेकिन वही बात है, मतलब करता कोई नहीं करता। वही बात है, बनने के बाद तो सब ऐसे ही। क्या होना चाहिए? मैं मतलब महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है, और मतलब जो बेरोजगार उनको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, और स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था, उनमें तो देखो ये मतलब वो ये धांधली। कहीं ना कहीं सतीश यादव का नाम आता है आम आदमी पार्टी से, अभी केजरीवाल आए थे, 5 गारंटी देके गए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सभी देते हैं जी। फिर लेकिन करता कोई नहीं, किसकी गारंटी मजबूत होगी और जनता के हित में? मजबूत तो किसी की नहीं है, वही बात है, जब मतलब ये चुनाव आते जब तो सब गारंटी लेते हैं, उसके बाद कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी को नहीं जानता, भले कांग्रेस हो। चलिए दादा, क्या नाम है? सुरेंद्र। क्या लग रहा है माहौल? तो ठीक है यहाँ पे, तो कांग्रेस, कांग्रेस चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? हाँ, बाकी आम आदमी पार्टी का तो लग नहीं रहा है, बाकी सन्नी यादव काफी इसमें। नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। लगातार चुनावी चौपाल और जनता से सीधे संवाद, सीधे बातचीत हम कर रहे हैं कि जनता के मन में क्या है और जनता इस बार क्या चाहती है। हरियाणा विधानसभा 2024, सिर्फ 2 दिन बाद चुनाव होने हैं और मतपेटियों और ईवीएम में वो तमाम तकदीर और तस्वीर उस ईवीएम में कैद हो जाएंगी। जो दावे हैं, किस्से, कहानियाँ और जो दावे चुनावी उम्मीदवार जितने भी मैदान में जाकर अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन जनता और इस लोकतांत्रिक अधिकार में जनता तय करेगी कि कौन होगा इस क्षेत्र का विधायक और हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री का वो चेहरा। सरकार किसकी बननी है ये तो चुनाव परिणाम तय होगा, लेकिन आज मंगलवार है और ठीक 2 दिन बाद मतदान। मतदान से पहले, 2 दिन पहले क्या माहौल है, तमाम चर्चाएं, तमाम बातचीत, फिर हम जनता के बीच जाकर सीधे संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ठीक चुनाव से 2 दिन पहले जनता क्या मन बनाकर बैठी है, क्या हवा बदली। क्योंकि देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे चुनावी महारैलियों और चुनावी संबोधन के, वो महारैलियों और चुनावी महासभाएँ लगातार जारी है। कहीं अमित शाह का दौरा हुआ इसी रेवाड़ी में, केजरीवाल का दौरा हुआ और राहुल गांधी के महासभा की चर्चाएं भी हैं। इसी क्रम में कहीं ना कहीं आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री से लगाकर तमाम वो दिग्गज चेहरे इस रणभूमि में लगातार बने हुए हैं और कहीं ना कहीं जनता को साधने की कोशिश की जा रही है कि जनता का मन पलटा जाए और जनता को अपने वादे और अपने विचारधारा और अपने मंशुओं पर कहीं ना कहीं कन्विंस कर अपने मतदान बढ़ाया जाए। तमाम वो कोशिशें लगातार जारी है और इस वक्त हम रेवाड़ी विधानसभा के अंदर हैं, रेवाड़ी शहर, शहरी क्षेत्र, और यहाँ की जनता से बातचीत करते हैं, क्या माहौल है, जनता का क्या मन है, आइए बातचीत को शुरू करते हैं। चुनावी चौपाल, चुनावी चर्चाएं लगातार जारी है, गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर,
पहुंचकर जनता के मन को हमने जाना है और आप तक पहुंचाया है। जनता इस बार क्या मन बनाकर बैठी है, तमाम वो अनछुए सवाल, तमाम वो चर्चाएं जो चुनाव पर होनी चाहिए, तमाम चर्चाएं हमने की। इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी शहर के कृषि उपज मंडी क्षेत्र में, और जब यहाँ पर हम एंटर हुए तो कहीं ना कहीं हम ग्रामीण और शहरी लोगों की समस्याओं पर बात कर रहे थे, चुनावी चर्चा पर बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी भीड़ और हुजूम यहाँ पर जमा हुआ है, काफ़ी किसानों के ट्रॉली और ट्रैक्टर पिकअप लेकर यहाँ आए हैं और कई किसान यहाँ पर भीड़ का जत्था लगाए। कारण जानने की कोशिश की हमने और यहाँ पर कुछ लोग किसान बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है, क्यों ये भीड़ का मजमा लगा है और आखिर ऐसा क्या कारण है कि भीड़ बन रही है। और आज का दिन नवरात्रि का पहला दिन है और आज के ठीक दो दिन बाद, मतलब यानी कि परसों 5 तारीख को मतदान होना है, तो ऐसे में अगर किसान अब भी परेशान है तो क्या वजह है और कौन इनके लिए मसीहा बनेगा, कौन इनकी समस्याओं को समाधान करेगा, तमाम वो चर्चाएं करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? वीरेंद्र जी। ये यहाँ भीड़ लगी है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये इसको गेट पास लेके जी भीड़ तो लगनी है, जब एक साथ आएंगे तभी, दो दिन हुए पोर्टल खोले को तो भीड़ तो लगनी है। वो पोर्टल कैसे खुल रहा है? ये CSC सेंटर से का बार कोड देते हैं, उससे गेट पास लेकर अंदर जा रहे हैं। भीड़ तो नहीं लगनी चाहिए ना, जब पास दे रखा है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, किसानों को एंटर लगाता है जी, आगे जाके खाली होती है, तो भीड़ तो नहीं लगनी चाहिए। लेकिन दादा क्या कहेंगे, भीड़ लग रही है? भीड़ लग रही जोर की। क्या समस्याएं हैं ऐसी जो भीड़ समस्या देख लें थारे सामने की समस्या से? आप कहेंगे तो पता चलेगा ना हमको। इतनी तो भीड़ आती है जी, इतनी तो भीड़ आएगी, दो दिन सिरमा भी स्टार्ट हुआ है, कल जैसे पब्लिक नहीं आई, 2 अक्टूबर छुट्टी रहेगी, लेकिन कल भी चले यहाँ, इसलिए आज ज्यादा भीड़ है, भीड़ 4-5 दिन तो ऐसी भीड़ रहेगी। दादा ये बताइए, चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मी चल रही है, ठीक दो दिन बाद चुनाव है, परसों के दिन 5 तारीख को, क्या लगता है कि चुनाव किसके पक्ष में है, क्या टक्कर है, तमाम वो? देखो जी, समस्या जमींदार के सामने खाद की आज वही है, बेसिक इलेक्शन सिर पर, लेकिन ईफको सबके लिए तैयार नहीं, इधर उधर से खाद की समस्या आज भी है। आज भी है, ये दावे करते हैं 10 साल से जिनका शासन रहा BJP का, कहते हैं हमने किसानों के लिए समृद्धि का काम किया, किसानों की आय दुगुनी कर दी। वो दुगुनी कर दीजिए, कहने को तो सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ? पीछे खाद दिया, बोली इसके साथ नैनो देना पड़ेगा, नैनो लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, दूसरी सागरिका लेनी पड़ेगी, कुछ तो लेना पड़ेगा, ये तो लगाएंगा नहीं। सोसाइटियों में खाद आता था, उस तरह क्यों नहीं आ रहा है सोसाइटियों में? रिकॉर्ड नहीं है, स्कोर सोसाइटियाँ जो होती है अपने हरियाणा में, सोसाइटियाँ हैं उनमें नहीं आ रहा है खाद, वो भी खाद आते हैं पहले लोन पर। खाद की व्यवस्था कहाँ से होती है? खाद की प्राइवेट दुकानों से ज़्यादा और कोऑपरेटिव सोसाइटी से कम, और वो भी लिमिटेड खाद आता है। क्या लगता है कौन सरकार, कौन सी सरकार जो है किसानों के लिए बेहतर काम करेगी? देखो जी, सरकारें तो इसका तो कुछ वो नहीं है, तो जब BJP तो वैसे सभी आने वाले सभी दावे ठोकते हैं। कहाँ से आए हैं हम? तो ये रेवाड़ी क्षेत्र, रेवाड़ी विधानसभा। हाँ, क्या लग रहा है रेवाड़ी में क्या होने वाला है? देखो जी, ऐसा तो टक्कर तो बता रहे हैं भाई, BJP कांग्रेस की ज्यादा, चिरंजीव का ही ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं पता। दो पहले दिन सतीश यादव का नाम भी जिक्र करते हैं। हाँ, सतीश यादव का भी, वो भी टक्कर दे रहा, लेकिन वो तीसरे नंबर पे। चलिए वो लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? युधिष्ठिर है जी। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है? भैया चुनावी माहौल चौकर तो नहीं है, कोई कितने बोल रहे हैं, कोई कितने बोल रहे हैं, अभी से डिसाइड तो है। आपको क्या लग रहा है? देखो, अब मेरे को क्या लग रहा है वो तो अब जनता के ऊपर निर्भर है। जनता में आपका भी एक अहम रोल है। नहीं, जनता में रहल रोल तो है, बाकी वो समय आएगा तभी तो बताएंगे ना। भैया युवा है, युवाओं को लेकर कौन सी सरकार बेहतर हो सकती है? भाई हम तो कांग्रेस को सरकार को बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की अच्छी है? हाँ जी सर, कांग्रेस। दादा आप क्या लगता है, किसानों को आम कई समस्याओं से जूझना पड़ता है दिन, कौन सी सरकार बेहतर होगी? सरकार तो कांग्रेस अच्छी है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो जैसे ना तो खाद, ना बीज, ना इब बिक्री के लिए बोल रहे हैं, वे CSC सेंटर से निकलवाओ। CSC सेंटर में जाते हैं तो वे कहते हैं कि अभी से 4-5 दिन रुको, हम के कर ये बाजरा लेके ना जाए, ना तो ये बिक रहा ना, और कि मैं के कर हम तो बहुत परेशान सर। परेशान है? हाँ, बाजरा नहीं बिक रहा। नहीं बिक रहा। तो ये क्या क्या फंडा है ये आपका जो? ये उनने कह दी कि ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन हमने करा दी। फिर देखा फोन में, बोलो CSC सेंटर से जाओ और टोकन ले आओ निकलवा के,
सीएससी सेंटर में जाते हैं, कहते हैं अभी से 4-5 दिन कोई है नहीं, टोकन का प्रावधान ही नहीं है कोई भी। जब आप कृषि उपज मंडी में अपना अनाज लेकर आ गए तब कह रहे हैं कि अभी कोई प्रावधान नहीं है। नहीं है कोई प्रावधान, हम तो अपने प्राइवेट में बेचेंगे। फिर ये क्यों झूठ बोलती है कि हमने जो सरकारी भाव पे खरीदते हैं? क्या समर्थन मूल्य की बात करते हैं? हाँ, क्या मूल्य देते हैं? कुछ क्या है समर्थन मूल्य? क्या है 2625 बता रहे हैं, लेकिन हमारा तो 2200 बिकेगा। ये ऑनलाइन तो कर दी इसने, कोई और तो नहीं रहा है ना। क्या कहेंगे भैया, कह रहे हैं समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। भाई ये अब लाइन में लगाओ जी, सामने 6 बजे तक नंबर आएगा, बताओ कौन खड़े रहेगा? लंबी लाइन है, लाइन वजह कौन खड़ा रहेगा इतना टाइम? काम समर्थन मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसको, किसी को मिलता है कि नहीं? कुछ भी ना मिला। जब हमारा बिकाएगा, हम तो जब कहेंगे मूल्य हमारा बिकाए को नहीं, तो हम कैसे कह दें समर्थन मूल्य बिक रहा है? झूठ बोल रहे हैं सब, झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। किसान परेशान है, परेशान क्या, अति परेशान, मरने के कगार पे हो रहे हैं किसान। तो ये अगर जमींदार का ये नहीं भी क्या बात रहा, सिर से हम कहाँ से बोएंगा, खाद कहाँ से ले आऊंगा? जमींदार के पास पैसा है नहीं तो कहाँ से बिजाई करेंगे हम? और जब नई फसल तैयार करने का समय है, यहाँ लाइनों में लगाया जा रहा है। हाँ हाँ, ये और ये जो हम तो आज से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बिजाई का टाइम चल रहा है, सिरसों की का हमारा बाजरा बिक नहीं रहा, हम कहाँ से तो खाद ले, कहाँ से बीज ले, बगैर पैसे कोई देता नहीं। जब आप यहाँ आए तो खेतों की तैयारी कैसे होगी? कैसे होगी, हो कौन है तैयारी, तो सूखा पड़ा है, क्या किया जाए? बड़ी समस्या है। बड़ी नहीं, बहुत भीड़ यहाँ दिख रही है। ये भीड़ आमतौर पर डेली होती है? हाँ, रोज नहीं रहे सर। फिर किसान ऐसे लाइनों में लगते हैं, धक्के खाते हैं, लग गया ये तो। कितने दिन में हो जाती है नीलामी? हमने तो बेरोको ने कब हो से या मारा गया तो गए नहीं, तो समर्थन मूल्य में नहीं तुलवा ना, तुलवा कैसे? जब घर में काम इतना सी, वहाँ तक लाइन है, शाम ने छः बजे नंबर आओगा, ये घर ने चला जाऊँगा, फिर पूरी रात पड़े रहो, कल सुबह नंबर आओगा। ये बताइए सरकार किसकी बन रही है जब इतने किसान परेशान है, और किसान कहीं ना कहीं किसानों के हितैषी सरकार कौन सी हो सकती है? देखो जी, वोट तो कांग्रेस तो ही देनी पड़ेगी, सरकार तो बदलनी पड़ेगी, मतलब ये तो ज़्यादा परेशान कर दी। बीजेपी कितनी आय दुगनी कर दी हमने, हम पुंजड़ कर दी, क्या कर दी, कौन सी आय दुगनी कर दी हमारे, हम तो मार और नहीं, 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 नहीं कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोग हो रहे हैं, इनसे बातचीत करें। ये क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? नरेंद्र नाम है। क्या मंडी में अनाज बेचने आए? ना ना, मैं तो ऐसे ऐसे ही। चलिए दादा, क्या कहेंगे, क्या अनाज बेचने आए आप? जी हाँ, अनाज बेचने। क्या लग रहा है यहाँ पर, भीड़ है, लाइन है, और क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी नॉलेज नहीं है कि बता सकता आप लोगों को, कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ जबरदस्ती तानाशाही चल रही है। जिनका यहाँ पर ऑनलाइन जो कट रहा है गेट पास, उनके ऊपर स्टैंप वगैरह लगा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने जो अखबार के थ्रू माध्यम से जो आउट किया था, वो कहने का मतलब, वो भी प्रोसीजर तो गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन किसान भाई इस गर्मी के अंदर अपना अनाज को लेकर के यहाँ पहुँच रहा, आउटसाइड से जो यानी कि लेकर के आ रहे हैं, बाहर से आते हैं, तो मेरा कहने का मतलब, गेट पास दिखाते तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ स्टैंप नहीं लगेगी। क्यों? गवर्नमेंट दो दो यानी कि आउट से भी कर दिया, सरकार की प्रक्रिया को भी ये धरातल पर नहीं ला पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं ला पा। किसान चेहरा देख करके, भाई बंदी हो रही है सरेआम इस चीज के लिए, ये भ्रष्टाचार मान रहे हैं। खैर इस चीज को मैं तो नहीं कहूंगा भ्रष्टाचार मान रहे हैं, लेकिन जो ये हो रहा है प्रोसीजर में देख रहा हूँ यहाँ पर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जब 5 बजे का मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, जैसे ही कर्मचारी यहाँ 10 बजे आकर के पहुँचे हैं या 9 बजे आकर के पहुँचे हैं, मैं यहाँ प्रजेंट खड़ा हूँ, मैं उनको गेट पास दिखा रहा हूँ, स्टैंप लगा दो, लेकिन बोलते हैं कि नहीं, यहाँ तो तानाशाही चल रहे हैं, कालर पकड़ने, कहीं ना कहीं आज 3 है और 5 को मतदान होना है, सबके अपने अपने दावे हैं, सरकारें किसान हितैषी बनने के ख्वाब किसानों को और जनता को दिखाती है कि हम किसान के मसीहा बनकर किसानों के हित में काम करेंगे, लेकिन जब धरातल पर स्थितियाँ देखते हैं, ठीक 2 दिन बचे हैं, दूसरे दिन तो मतदान होना है, और ऐसी परिस्थितियां यहां पर निर्मित हैं कि किसान आज भी हैरान है, परेशान है, और वो लाइनों के चक्कर, वो टोकन के चक्कर, तमाम वो चक्करों में पड़ा है, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। सरकार ने समर्थन मूल्य तो कहीं ना कहीं दिया है, लेकिन अब तक समर्थन मूल्य तक पहुंचने के लिए किसानों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, ऐसी परिस्थितियों का सामना। दादा, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन किसानों के हित में काम करेगा? देखो जी, ऐसा है ये, इस चीज़ के बारे में तो मैं भी यानी कि नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आउटसाइड में तो कहीं घूमता नहीं। कौन से विधानसभा क्षेत्र के हैं आप? मैं रेवाड़ी क्षेत्र से हूँ। तो किस में टक्कर देख रहे हैं आप?
टक्कर जी देखो, क्योंकि कई नाम है भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी इस बार है, लेकिन जहाँ तक मेरे को यानी कि जो मैं बाहर आउटसाइड के मैं थोड़ा बहुत जजमेंट लेता हूँ, तो भाजपा कहने का मतलब बीजेपी के शासनकाल में 10 साल का शासन रहा, ऐसी भीड़ है। देखो जी, वो तो कहने का मतलब तो गवर्नमेंट सोचेगी इस बात को, किसान भाइयों को कोई आपत्ति तो नहीं आनी चाहिए। किसान भाई कहने का मतलब ये खेती के अंदर पूरे दिन काम करते हैं, भागा दौड़ी सुबह शाम को आकर के यहाँ अपना वो कर रहते हैं, 10 बजे ऑफिस का टाइम होता है, ठीक है हम मानते 10 बजे, लेकिन जब किसान गेट पास लेकर के पहुँचते तो वहाँ पर भी राइट ऑफ कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि प्रोसीजर बनाया गया है तो आउटसाइड का तो अलग काउंटर होना चाहिए, यहाँ जो यानी कि गेट पास कर रहे हैं उनका अलग काउंटर होना चाहिए। फिर बाहर से आए हुए व्यक्ति कहने का मतलब जो अपने यानी माल के बारे में, सतीश यादव और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं भाजपा की टक्कर है, क्या लगता है? देखो जी, इस चीज़ के बारे में हम नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने चलिए, क्या नाम है? राजपाल है सर। राजपाल जी, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? राव साहब का पूरा दबदबा है यहाँ पे और बीजेपी को वोट करेंगे और बीजेपी की प्रचंड लहर है, बीजेपी की लहर है। बाकी लोग भी हैं, सतीश यादव है, लक्ष्मण सिंह है सर, राव चिरंजीव हैं, लक्ष्मण सिंह। जब ये तीन कैंडिडेट की बात करें तो इनमें टक्कर में कौन है? लक्ष्मण सिंह पहले नंबर पर है जी रेवाड़ी में, तो और बाकी दूसरे नंबर पर है सर। दूसरे पे क्यों देख रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी बढ़िया पार्टी है, विकास भी हुआ है, रोड भी बने हैं, विकास हुआ है। क्या भैया क्या लगता है, विकास हुआ है? हुआ है भाई, शासनकाल में हुआ है विकास। ये रोड देख खंडर था पहले, अब बिल्कुल हाईवे बन चुका है, ठीक हो गया। रेवाड़ी से 9 और 50 मिनट लगता है पहुंचने में। तो विधायक तो कांग्रेस के थे यहाँ पर, कब अभी बना ये बीजेपी सरकार में? कांग्रेस के विधायक के उसमें ना, अभी बना बीजेपी सरकार में। बीजेपी की सरकार तो सरकार रही है, लेकिन क्षेत्र के विधायक तो कांग्रेस के थे चिरंजीव। हाँ अभी बीजेपी सरकार में। क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार बने जी, क्या विकास के मुद्दे रहने वाले? विकास तो कई हुए, क्या विकास के मुद्दे रहने वाले हैं, क्या बताएं मुद्दे आपको? चलिए वो लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? शिव कुमार है जी। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है अब विधानसभा? देखिए यहाँ बीजेपी की अच्छी लहर है और बीजेपी के फेवर में जो है ना, ये इस बार यहाँ रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव जी हैं, वो उनका पूरा तो लक्ष्मण यादव। कुछ लोग कहते हैं, दावा है कि कोंसली के हैं, यहाँ ला के उनको टिकट देना, और कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? कोसली के हैं ये तो एक है ना चुनावी प्रोपेगेंडा है, अदरवाइज अगर हम देखें कोसली से हमारे भाण बेटियों के या बेटों की शादियां भी होती है, वहां से हमारे गांव में बहुएं भी आई है, तब हमें वो बाहर के नहीं नज़र आते। तो कोसली में, रेवाड़ी में, बावल में, इनमें फर्क नहीं है, सब एक ही है। लगता है इस बार जाति समीकरण कितना काम करेगा? जाति देखिए, जब से बीजेपी ने देश के अंदर बागडोर संभाली है ना, तब से जाति एक तरफ हो गई है और धर्म के ऊपर ज़्यादा वो हो गया है। धर्म जैसे हिंदू धर्म के लिए तो मुस्लिम चल रहा है ज़्यादा, है ना, चलना चाहिए मुस्लिम लोकतांत्रिक देश में। देखिए जी, जिस प्रकार की घटनाएँ हो रही है हम पड़ोसी देशों में देख रहे हैं, वहाँ पे जैसे हिंदुओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, उस हिसाब से तो हमारा तो देश में फिर भी काफ़ी शांति है और काफ़ी इज्जत करते हैं, आपस में भाईचारा भी है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी आगे कोई घटनाएं ना घटे उसके लिए एक पार्टी का ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जो एक दूसरे को धर्म के आधार पर ना लड़ाए, धर्म के आधार पर ना लड़े। दंगे चल रहे हैं, दंगे कई बार देखते हुए, दंगे जो हो रहे हैं पड़ोसी मतभेद तो हिंदू मुस्लिम में, हिंदू देखो छोटी मोटी तो बातें हर जगह चलती रहती है, लेकिन उस विकास के मुद्दे क्या रहने वाले? विकास बराबर चल रहा है, मुद्दे क्या रहने वाले जो विकास नहीं हुए अब तक? क्या मुद्दे कुछ भी नहीं है, बीजेपी के शासन काल में मुद्दे सब एक तरफ धरे के धरे रह गए। जो सही ईमानदारी से जो काम करे, चाहे वो इस शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा स्वास्थ्य, जो बच्चे शिक्षा में अच्छे हैं वो आगे जा रहे हैं, कृषि में जो मेहनत कर रहे हैं उनकी कृषि भी इस बार अच्छी है, MSP मिला है सबको, अच्छा रेट में फसल जा रही है, तो ओवरऑल मिला के देखें। अभी मंडी से आ रहे हैं कृषि उपज मंडी से, किसान वहाँ लाइन लगा के खड़े हैं, उनको समर्थन मूल्य के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसान। एक समय ऐसा आता है जिसमें 10-15 दिन का प्रॉब्लम हर जगह आता है, चाहे वो कोई भी सरकार ले लो, चाहे ये नहीं कि कांग्रेस आती है तो घर से उठा कर लेके जाते हैं,
तो वो जो भी अपने है ना प्रतीक्षा इंतजार करते हैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन में सब नॉर्मल हो जाते हैं। अभी क्या लगता है क्यों किसकी बन रही है सरकार? सरकार बीजेपी की बन रही है जी। बीजेपी की क्यों? हाँ बीजेपी की कह रहे हैं सेंटर में हमारे मोदी जी तीसरी बार बैठ सकते हैं तो हम उनका यहाँ कमल तीसरी बार निकला सकते हैं हरियाणा में खिला सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खट्टर का शासन अच्छा नहीं रहा तो अब बदलाव चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खट्टर के क्या है तो सेंटर की गवर्नमेंट जो मोदी जी ने मतलब जो हमारी ग्रांट दी है हरियाणा में इतनी अच्छी अच्छी ग्रांट मिली है, हमारे सारे रोड देखो, शिक्षा के क्षेत्र में भी रोजगार भी मिला है, बिगर प्रचीन खर्ची जो आई है सरकार अच्छा काम हो रहा है हर जगह से अच्छा काम हो रहा है। जाना जनता के मन में इस बार क्या है और आने वाली 5 तारीख को क्या होने वाला है, तमाम बातचीत सीधे संवाद जनता से, जनता की जुबानी ग्राउंड जीरो पर तमाम चर्चाएं आपने सुनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, कैमरा पर्सन शुभम यादव के साथ हरिओम वीर। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए प्रकरण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।